So, hello guys, welcome back to my YouTube channel, Lucky Gaming Ankit. So guys, आज की वीडियो हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं Minecraft Royal SMP और ये इस सीरीज का पार्ट 8 होने वाला है. और गाइस, जैसे कि आपने पिछली 7 वीडियो इस सीरीज की नहीं देखी तो जल्दी से जाके देख लो, क्योंकि उसमें भी बहुत ही अमेजिंग बिल्ड्स और आइडियाज है. पर उससे पहले बहुत जरूरी बात, जो भी चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो. पता नहीं क्यों सब्सक्राइब का बटन काम नहीं कर रहा आजकल, जो भी दबा रहे हो काम नहीं कर रहा. आप जल्दी से जाके चेक कर लो आपका काम कर रहा है कि नहीं. और लाइक वाले बटन में जादू आ रखा है, अगर आप उस लाइक वाले बटन को दबाते हो तो व्हाइट से ग्रे हो जाता है. चलिए शुरू करते हैं. तो गाइस, पहले मैं आपको दिखा देता हूं अपना स्पाइडर एक्सपी फार्म, जो कि मैंने वीडियो में दिखाया था बनाया हुआ, लेकिन गाइस मैंने उसे रीबिल्ड करा है, क्योंकि गाइस वो इतना अच्छा वर्क नहीं कर रहा था तो मैंने इसे रीबिल्ड करा है और ये अब बहुत ही ज्यादा एफिशिएंट वर्क करता है. तो जल्दी से चलते हैं हम लोग. A few moments later. Right guys, मैं हम बस पहुंचने ही वाले हैं क्योंकि वो स्पॉनर विलेज के पास ही था. ओके, तो यहीं पर है हमारा स्पॉनर और यहीं पे हमारा फार्म. पर वो कहां गया भाई, जहां पे मैंने रास्ता बनाया था जाने का. अरे गाइस, अच्छा ये रहा भाई, मैं कह रहा कहां चला गया, किसने छेड़छाड़ कर दी. और ये है गाइस हमारा वो एक्सपी फार्म. पहले मैं देखो टॉर्च हटा के दिखाता हूं कि देखो कितना अंधेरा है, कितना ज्यादा अंधेरा है. अब देखो अब ये हमारा फार्म गाइस इतनी तेज एफिशिएंट वर्क करेगा. अभी तो एक स्पाइडर आई है गाइस, लगातार आती रहेंगी. और मैं जल्दी से जल्दी आपको एक्सपी कलेक्ट करने के बाद मिलता हूं. ओके, तो गाइस मैंने बहुत सारी एक्सपी भी कलेक्ट कर लिया है, 19 लेवल कर दिया है और मैंने काफ़ी सारे स्ट्रिंग्स ले लिए, क्योंकि गाइस आज का गाइस हमारा अचीवमेंट है डायमंड आर्मर निकालना. और डायमंड आर्मर निकालना गाइस इतना आसान ही है, आप भी जानते हो. खैर आप लोगों के लिए शायद से होगा आसान, पर मैं तो भाई नूब ठहरा, मेरे लिए बहुत टफ होने वाला है. और गाइस आज हम माइनिंग पे नहीं जाएंगे बिना माइनिंग के. अब आप सोच रहे हो कि बिना माइनिंग के कैसे लेंगे डायमंड आर्मर. यस, आप बिल्कुल सही सोच रहे हो, आज हम लेंगे डायमंड ट्रेड. जी हाँ गाइस, जिससे हम डायमंड के आर्मर ट्रेड कर सके. अगर आपको नहीं पता कि हम विलेजर्स को मैक्स लेवल कर दे, वो भी कौन सा वाला, आर्मर वाले को कर देंगे तो हमें डायमंड का आर्मर देगा, वेपन स्मिथ को कर देंगे तो हमें वेपन देगा, और अगर टूल्स स्मिथ को कर देंगे तो वो हमें डायमंड के टूल्स देगा. तो इसी के लिए हमें डायमंड्स के आर्मर चाहिए, टूल्स वगैरह तो हम 2-4 डायमंड से बन जाते हैं, लेकिन आर्मर के लिए भाई बहुत सारे डायमंड लगते हैं, कम से कम 24 शायद से डायमंड लगते हैं. मैंने हिसाब नहीं लगाया, 24 से 27 लगता है गाइज. आप कमेंट में बताना कितने लगते हैं. और इसमें क्या कहते हैं, इतने डायमंड मैं ला नहीं पाऊंगा, क्योंकि जब भी मैं जाता हूँ माइनिंग में 2 या 4 ज़्यादा डायमंड मिलते हैं और इन सबसे मैं टूल्स ही बना पाऊंगा, आर्मर तो बाद की बात है. तो इसीलिए आज हम निकालने वाले हैं डायमंड आर्मर, वो भी विलेजर्स को मैक्स करके. तो चलते हैं सीधा काम पे लगने. पर उससे पहले गाइस, जो भी चैनल पे आता है वीडियो देख लेता है लेकिन लाइक भी नहीं करता ना ही सब्सक्राइब करता है, गाइस कर दिया करो भाई. इधर तक देख रही हो तो मतलब आपको वीडियो पसंद तो आ रही है, अगर इतना भी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, क्योंकि और भी पार्ट्स आते ही रहते हैं. और गाइस इतनी देर से वीडियो आने के लिए माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि गाइस मेरे पास फ़ोन नहीं था अवेलेबल, क्योंकि वो फ़ोन जा रखा था कहीं और. लेकिन अब मैं रेगुलर वीडियो डालता रहूँगा, मेरा भाई भी इसमें आता रहेगा वीडियो में. तो जल्दी से जाओ और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में लिख देना गाइस, कुछ ना कुछ भी लिख दो, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर कर दूँगा. वीडियो को शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के लिए. तो गाइज मेरा घर इतना बढ़िया और यहाँ पे काफ़ी जॉम्बीज भी आते रहते हैं, तो मैं अपनी सिक्योरिटी के लिए एक आयरन गोलम बना लेता हूँ जो कि मेरा बॉडीगार्ड बनेगा. तो यहाँ पे इसको बनाने के लिए हमें 2 आयरन के ब्लॉक इस तरह से लगाने हैं, एक लगाना है इस साइड हाथ और एक लगाना है इस साइड हाथ का. और अब मेरे को इसके ऊपर लगाना है एक हेड, पम्पकिन हेड जो कि मैंने बना के रखा. हाँ, इसका पम्पकिन हेड नाम नहीं है, कर्व पम्पकिन नाम है गाइज. लेकिन ये देखो बन गया गाइज, मेरा आयरन गोलम बन गया भाई साहब. भाई कितना अच्छा लग रहा है, मेरा एक बॉडीगार्ड आ गया गाइज, देख सकते हो. और भाई तुझे यहाँ पे काम चोरी नहीं करनी, तेरे को सैलरी में आयरन इंगट दूंगा. हाँ, आयरन इंगट गाइस इनकी सैलरी होती है, क्योंकि ये डैमेज होते हैं, हम इन्हें रिपेयर भी कर सकते हैं अगर आपको. और देख लो मैंने घर कितना बढ़िया सजाया था. अगर आपने नीचे वाले स्केलेटन को नहीं देखा है तो मैं आपको बता दूँ, मैं जब ऑफलाइन सर्वर में था, ऑफलाइन तो सर्वर नहीं था, वीडियो में नहीं था जब मैं, तब मैंने वहाँ पे वो आ गए थे स्केलेटन जो करंट वाले आते हैं ना, जो भी आप समझ जाओगे क्योंकि आप लोग तो खेल रहे हो माइनक्राफ्ट. और ये देखो मेरा डायमंड आर्मर जो फालतू का पड़ा था डैमेज, इसको मैं पहन के नहीं देखता क्योंकि गाइस पूरा डैमेज है. अब मेरे को इस वाले आयरन आर्मर को भी बनाना है. और ये मेरा बैनर देख लो, ओ भाई माइनक्राफ्ट बॉडीगार्ड. ओ गाइस अचीवमेंट भी आ चुका है मेरे को बॉडीगार्ड का, देखे गाइस मेरे को नहीं पता था इसका कोई अचीवमेंट भी है, पर गाइस मिल गया, अच्छी बात है. और जल्दी से जल्दी अभी और हम और भी फालतू काम कर लेते हैं.
गाइस जैसा कि आपको पता है मेरे पास एक घोड़ा भी है, तो मैं उसको एक नाम भी दे देता हूँ जिसका नाम रखूंगा चेतक। गाइस चेतक कमेंट में जरूर बताना आपको नाम कैसा लगा। मेरे को तो गाइस बहुत बढ़िया लगा अपने घोड़े के नाम के लिए। ये महाराणा प्रताप के घोड़े का भी नाम था हकीकत में, तो जल्दी से चलते अपने घोड़े को नाम देने। तो गाइस ये रहा वो मेरा घोड़ा, तो मेरे को अंदर जाना पड़ेगा पहले, नहीं तो मेरा हाथ पहुंच नहीं रहा ऊपर से बाहर ना निकल जाए। ओके तो चेतक, अब से तेरा नाम चेतक हो गया। गाइस इसके लिए एक लाइक जरूर कर देना वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब तो आप करके ही रखना क्योंकि आपको और भी वीडियो आते रहेंगे। और गाइस यहाँ पे मैंने अपने घोड़े को बांध दिया, इसका मैं एरिया चेंज कर दूंगा, यहाँ से हटा के ऊपर शिफ्ट कर दूंगा। अरे यार गलत लग गया। अभी गाइस मेरे को अपने हड्डी वाले घोड़े का भी नाम देना है और आयरन गोलम को भी नाम देना है। ओके तो गाइस मैं तो अपने कंकाल सुर वाले घोड़े का नाम भूल ही गया जो कि कंकाल का बना है, तो इसका नाम मैंने सोच रखा कंकाल सुर ही रख देता हूँ क्योंकि कंकाल सुर इसके ऊपर एकदम सूट करेगा। और मैं अपने बॉडीगार्ड का नाम रख रहा हूँ, सोच रहा हूँ क्या रखूँगा गाइस। मैं सोच रहा हूँ गोलू रख देता हूँ, गोलू बढ़िया नेम रहेगा, GOLU। ओके तो गाइस गोलू मेरे बॉडीगार्ड का नाम है जिसका नाम आयरन गोलम है रियल में। तो और सबसे पहले हम नाम देते हैं, देखते किस कौन पहले, हाँ गोलम को दे देते क्योंकि वो तो नीचे ही मिल जाएगा। अरे अरे गेट ही नहीं खुलता पहले। वेट अ मिनट गाइस, मेरा आयरन गोलम गया कहाँ भाई? गोलू भैया कहाँ चले गए? अरे यार घर के पीछे भी ये चला जाता है, चलो देख लेते हैं ये क्या भाई, पीछे भी नहीं। अरे यार कहाँ गया भाई साहब मेरा गोलम भाई, मैंने बड़ी मेहनत से, ये क्या वो कौन है भाई? बाहर भाई बाहर कैसे गए, कौन सा रास्ता से चला गया भाई? अभी इसे छोड़ूंगा नहीं मैं, अभी इसे नहीं छोड़ूंगा भाई। बॉडी गार्ड नहीं, इन्होंने स्पॉन करा है गोलम, ये मेरा ही गोलम है, ये चेक करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा रिस्क लेके। हाँ भाई ये मेरा ही गोलम है। गोलू भैया तुम्हारा मैंने नाम रख दिया, लेकिन अब ऐसे मत करना गाइस। देखो मैंने ऑफलाइन में पेट को ही बना लिया था। आ जा भाई गोलू भैया, चलो इसे पहले मैं सो जाता हूँ, नहीं तो रात को ज़ॉम्बी से ही लड़ने में टाइम लगाएगा। हेलो कंकाल सुर भैया, आज मैं आपका नामकरण करने वाला हूँ, तो आपका नाम अब से है कंकाल सुर। अच्छा लगा नाम आपको? ओके भाई बिल्लू तेरा भी नाम दूंगा भाई, कुछ अच्छा सा नाम दूंगा। और डॉग का नाम तो गाइस मैंने सोचा नहीं है, और ना ही बिल्ली का। गाइस आप इस बिल्ली का नाम कमेंट कर सकते हो। तो भाई इस काम को, फालतू काम को छोड़ते हैं, अब जल्दी से हम अपना जो मेन काम है डायमंड आर्मर को निकालना, उसको जल्दी से शुरू करते हैं। पर उससे पहले गाइस पहले चेक तो कर लूँ भाई मेरे विलेजर्स है कैसे। ओ ये क्या भाई, ये कैसे इतने कम विलेजर्स, क्या हो गया इन विलेजर्स को? शायद से इससे ज़्यादा थे भी नहीं, और यहाँ पे बेड भी कम लगे हैं तो ब्रीडिंग भी नहीं करे। चलो गाइज मैं पहले दो मिनट दे दो, बस दो मिनट में बहुत सारे विलेजर्स और जॉब दे के मिलता हूँ। A few moments later. All right guys, मैंने यहाँ पे बहुत सारे विलेजर्स भी कर दिए, देख सकते हो कितनी ज़्यादा पॉपुलेशन। और इसको मैंने आर्मर बनाया है जो कि मेरे को फिलहाल तो चेस्ट प्लेट दे रहा है, मेरे ख्याल से डायमंड के नीचे चेस्ट प्लेट यही दे सकता है। तो हम जल्दी से जल्दी स्ट्रेट करना शुरू कर देते हैं, और भगवान करे गाइज नीचे ये डायमंड की चेस्ट प्लेट और लेगिंग्स दे दे। और ये यहाँ पे मेरे को ये ट्रेड करना पड़ेगा, खैर एक कोल कम पड़ेगा गाइस, बस एक कोल। चलो एक कोल में लेके आता हूँ, मेरे पास पड़ा तो है बहुत सारे कोल पर इतने नहीं है, एक कोल में लेके आता हूँ जल्दी से। ओके तो गाइस मैं जल्दी से कोल लेके आ चुका हूँ, और मेरा हो गया। ओ भाई आयरन वाला भी अनलॉक हो गया, मैं यहाँ से आयरन से ट्रेड कर सकता हूँ। गाइस मेरे पास तो आयरन फार्म है ही, आपने देखा ही, अनलिमिटेड आयरन, अनलिमिटेड एमराल्ड, क्या बोलते हैं, हाँ सॉरी एमराल्ड। और यहाँ पे मैंने अभी भी आयरन बचे हैं, हाँ अभी और कर सकता हूँ ट्रेड। तो जल गाइस मैं ना सीधा इनको मैक्स करके मिलता हूँ। देखो नीचे एक्सपर्ट पे मेरे को बूट मिलने वाले, उसके नीचे मेरे ख्याल से बूट मिल रहा, मतलब ये नीचे हेलमेट मिलेगा गाइस। चेस्ट प्लेट के लिए लग रहा है मेरे को किसी और का मैक्स करना पड़ेगा, पर कोई दिक्कत नहीं गाइस, इनको भी तो आखिर लेना ही था क्योंकि हम कौन सा उससे डायमंड्स बनाएंगे, हमें फुल डायमंड आर्मर निकालना है सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग से। तो जल्दी से करके मिलता हूँ। A few moments later. ओके गाइज मैं यहाँ पे माइनिंग के लिए आया हूँ, क्योंकि गाइज मेरे पास कोल खत्म हो गया और आयरन से वो ट्रेंड करना बंद कर दिया, क्योंकि ये नहीं है कि आपके पास इन्फिनाइट आयरन है तो आप लेते चले जाओगे, उसमें क्या कहते हैं वो अगर अपने उसके औकात के बाहर हो जाएगा वो और एमराल्ड नहीं दे सकेगा तो वो आयरन भी नहीं लेगा। इसलिए मैं यहाँ पे कोल की भी माइनिंग करने आया, क्योंकि कोल का तो भाई ख़त्म नहीं कर पाएगा क्योंकि कोल बहुत ज़्यादा लेता है, और यहाँ पे कोल हमारे पास इतने हैं भी नहीं। स्टैक स्टैक दोगे तो एक एमराल्ड मिलता है, चार एमराल्ड मिलते हैं अगर एक स्टैक देते हैं तो, हम मेरे हिसाब से अगर कोई सस्ता देते तो बात अलग। और ये क्या भाई स्पाइडर भी यहीं पे आ गई। ओ भाई गाइस देख लो मैंने मैक्स कर दिया, पर ये बहुत महंगा दे रहे, फिर भी मेरे को कैसे भी करके लेना है। और यहाँ पे देख लो सकते हो मैंने मैक्स लेवल डायमंड आर्मर को भी कर दिया, अभी खैर ही मैक्स में एक्सपर्ट हुआ है, मतलब वो लेऊंगा अभी मैक्स हो जाएगा। फिलहाल वैसे भी एमराल्ड तो चाहिए, एमराल्ड लेना है। यहाँ पे मैं लेगिंग ले सकता हूँ, और मैंने एक लेगिंग ले ली, और मैं को यहाँ पे चेस्ट प्लेट भी हो गया, बूट भी हो गया, और हेलमेट भी हो गया। बूट हेलमेट आपको मैंने पहले दिखा दिया था गाइस, तो जल्दी से मैं पूरा सेट लेके मिलता हूँ आपसे। तो गाइस मेरा डायमंड आर्मर देखने से पहले आप मेरा
घर देख लो तो कि मैंने बिल्कुल डेकोरेट कर दिया था ऑफलाइन में। फिलहाल ये मैंने डायमंड यार में निकालने से पहले ही कर रहा था, लेकिन आपको मैंने टूर नहीं दिया, आपको मैं पहले टूर दे देता हूँ। देखो यहाँ पे मैंने फूल पत्ती सब कुछ उगा डाला है और ये झाड़ ज़्यादा ही कुछ ऊँचा हो गया, मेरे हाइट का आ गया था। वैसे तो मैं दिखाता हूँ, मेरी ये एंट्री है और यहाँ से मेरे को गेट बंद करना है। अब ये है मेरे गोलू भैया जो कि भाग रहे हैं बाहर। अरे अरे, इनको मैंने अच्छी सी नौकरी दे रखी है, पर डे पर आयरन की इंगट की सैलरी भी दे रखी है, इनको मैंने बनाया अभी, तब भी भागते रहेंगे घर से। पता नहीं क्या हो गया इन्हें, इनके घर छोड़ने की। देखो फिर जा रहे। अरे यार आप अंदर आ जाओ, ये कौन से ड्रामे, कोई से ना कोई से तरीके से भाग रहे हो। अरे पकड़ में आ जाओ। अरे यार ओके तो गाइज मैं इनको लेके आ चुका हूँ और अब मैं आपको बांधूंगा नहीं, मैंने बांध दिया इसलिए गुस्सा होके चले गए थे। और गाइज ये देखो, ये है मेरे पूरा, ये मेरे खेत है। और ये देखो पहले मैं देख लूँ, हाँ चलो सही जगह है वो गोलू भैया। और ये देखो मैंने लगा दिया है पत्ते और ये कंपोस्ट के ऊपर लगाया जो कि बिल्कुल गमले का लुक दे रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है इससे। और ये मेरा शुगर कैन फार्म बोल लो या ना बोलो, पर यहाँ शुगर कैन मेरा रहता है। और यहाँ मैंने लैंटर्न्स लगाए थे। और ये है मेरा डूर, यहाँ से डूर तो सबको पता है, यहाँ से मेरी एंट्री है। और यहाँ पे गाइज मैंने चेस्ट वगैरह लगा रखी है और यहाँ पे मैंने अपना कुकिंग सिस्टम बना रखा है। यहाँ पे बस आपको कच्चा खाना डालना है, जैसे देखो मैं ये दो पॉक चॉप डाल के दिखाता हूँ आपको, ये मेरे हाथ में दो पॉक चॉप और इसको मैं निकाल के सीधा इस पर टैप करूँगा। अब देखें कुछ सेकंड में मेरा, देखो गाइज यहाँ पे अब आ चुका है, अभी इसे चेस्ट खोलूंगा तो इसमें आ चुका होगा, देखिए आ गया ना। वैसे तो अब ये मत सोचना कि वो कहीं और गया। और ये है मेरा ब्लास्ट फर्नेस एरिया, ब्लास्ट फर्नेस तो सिर्फ एक है और बाकी सब फर्नेसेज है। और यहाँ पे मेरा क्राफ्टिंग टेबल पता नहीं क्यों पड़ा है। और गाइज ये है मेरा नेदर पोर्टल और उस पर तो आप देख ही सकते हो ये बहुत सारे चेस्ट है। वैसे ये सब आप जानते हो पहले से, पर मैं आपको टूर दे देता हूँ जो बंदे नहीं देखे मेरी पिछली वीडियो तो मैं। और ये है मेरा एन्चेंटमेंट एरिया, अगर ये तो काफ़ी कम लोग जानते होंगे क्योंकि मैंने शायद से शो नहीं करा था, फिर भी आया हूँगा मैं यहाँ पे, हाँ निकनेम करने आया था। तो यहाँ पे देखो मेरे दो एनविल पड़े हैं, ग्राइंडस्टोन मैंने लगाया नहीं। और देख लेते हैं ये मेरे को क्या दे रहा है, अभी स्वॉर्ड पे देखते हैं क्या दे रहा है। ओके गाइस स्वॉर्ड ये मेरे आयरन का, वैसे इस पर लगाना नहीं है मेरे को। ओ भाई शार्पनेस 4 दे रहा, बहुत बढ़िया भाई शार्पनेस 4 दे रहा गाइस, बहुत ज़्यादा अच्छी एन्चेंटमेंट है। और इसके साथ भी कुछ मिल सकता है। और ये क्या गाइस, मैं आपको मैं पीछे का गार्डन तो दिखाया ही नहीं, मैं ऐसे ही जाने लगा था। ये देखो मेरा पीछे का गार्डन, मेरे पीछे भी पेड़ उगा रखा है और यहाँ पे एक टॉर्च लगा है, कम लग रहा है मेरे को। ये क्या, ये कैसा पेड़ है भाई, ये किस तरह का पेड़ है भाई मेरे घर से अटैच। ओके तो गाइज इस पेड़ ने मेरे को एप्पल दिया तो जल्दी से खा लेते हैं और इस खुशी में हम थोड़ा सा नाचेंगे, डांस बहुत हुआ। चलो अब हम चलते हैं यहाँ से सीधा ऊपर का, मैंने टूर आपको दिया नहीं, जल्दी से मैं आपको ऊपर का भी टूर दिखा देता हूँ। ये है मेरा फेंस गेट, इसे मेरे को ओपन करना पड़ेगा नहीं तो आयरन गोलम आ जाएगा अगर मैंने ट्रैप डोर लगा दिया। तो यहाँ पे मैं ट्रैप डोर लगा सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे आयरन आएगा ही नहीं। और ये देखो गाइस ये है मेरा कारपेट मैंने लगा रखा, और यहाँ पे मैंने हर जगह आयरन आर्मर लगा रखा। जब से आयरन फार्म बना था तब से मैंने बहुत ज़्यादा आयरन का यूज़ किया, लैंटर्न बनाया, आयरन आर्मर बनाया, मैंने आयरन गोलम बनाया। यहाँ तक कि देखो ये मैंने एक, अगर आपको मैंने दिखाया नहीं है, दिखाया तो होगा, हाँ मैंने आपको दिखा दिया था वीडियो की स्टार्टिंग में, ये घोड़ा और मेरा एक और घोड़ा है, इसको मैंने अपना नाम दे दिया था, अपना नाम नहीं सॉरी मैंने एक नाम दे दिया था। और यहाँ पे मेरा एक रहता है पर्सनल घोड़ा जो कि बाहर जाने के लिए छे तक, ये मैंने इस घोड़े का नाम दे रहा, पर इसको मैं उतर जाता हूँ नहीं तो बार बार बाहर जाएगा। देखो ये चल देख लो कितनी हाइट है और इसकी स्पीड बहुत है गाइस बाकी घोड़े के मुताबिक। ओके तो मैं यहाँ पे गेट बंद कर देता हूँ नहीं तो ये फिर बाहर आ जाएगा। अरे भाई तेरा तो गला दब जाएगा भाई, हट जाए यहाँ से। ओके तो गाइस मैं आपको अपना ऊपर वाला भी फ्लोर दिखा देता हूँ, और ऊपर वाला फ्लोर ये देखो मेरा डायमंड आ रहा है। मैंने अभी सिर्फ चेस्ट प्लेट और लेगिंग्स ही निकाल पाया, बूट और हेलमेट के लिए मेरे को और भी एमरल्ड लगेंगे जो कि मैं ऑफलाइन में निकाल लूँगा क्योंकि गाइस इतना टाइम नहीं, आपको वीडियो भी चाहिए जल्दी से, वैसे भी ये वीडियो बहुत देर में आने वाली है। और ये रहा मेरा बेड और दो गोल्डन ब्लॉक लगा दिए, मैंने सोचा क्या लगाऊँ क्या लगाऊँ, स्टेयर तो होते नहीं मैं स्टेयर लगा देता, लेकिन मैंने गोल्ड के ब्लॉक ही लगा दिया, अमीर बहुत। तो गाइज आपने मेरी अमीरी देख ली, यहाँ पे एक से एक है, ये भी सोने का है वो भी सोने का है, बहुत पैसा है मेरे पास। तो इसी बात पे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक भी कर देना, और हो सके तो आप 10 बंदों पे अपने दोस्तों पे शेयर भी कर लेना जो कि माइनक्राफ्ट खेलते और देखते हैं। और इसी बात पे तब तक के लिए बाय बाय एंड टाटा।